नमस्कार, आप सबका स्वागत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी को रिलीज। 9 साल 12 दिसंबर 2008 पूरे हो गए हैं। डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा की इस फिल्म से अनुष्का ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके हीरो शाहरुख खान थे। फिल्म सुपरहिट रही थी। बता दें कि अनुष्का सहित बॉलीवुड के ऐसे कई स्टार्स हैं जिनके हमशक पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं। आज आपको ऐसे ही कुछ सेलेब्स के बारे में बताने जा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और पाकिस्तानी एक्ट्रेस सनम बलोच का चेहरा मिलता जुलता है। अनुष्का ने रब ने बना दी जोड़ी 2008, बैंड बाजा बारात 2010, जब तक है जान 2012, पीके 2014, सुल्तान 2016 सहित कई फिल्मों में काम किया है। अनुष्का की अपकमिंग फिल्म परी है जो 2018 में रिलीज होगी। सनम ने दूरा 2008, कुछ प्यार का पागलपन 2011, एक थी पारो 2011, रोशन सितारा 2012 सहित टीवी सीरीजों में काम किया है। जॉन अब्राहम और पाकिस्तानी एक्टर अदील हुसैन के लुक में काफी समानता है। जॉन अब्राहम ने जिस्म 2003, इतिबार 2004, पाप 2003, धूम 2004, इलान 2005, काल 2005 सहित कई फिल्मों में काम किया है। जॉन की अपकमिंग फिल्म परमाणु है जो 2018 में रिलीज होगी। वहीं अदील ने बिन रोए 2015, ओ मन जहां 2016, दोबारा फिर से 2016 फिल्मों में काम किया है। उन्होंने टीवी सीरियल दुनिया गोल है 2007, दाम 2010, मोहब्बत शुक्का सितारा है 2014 सहित कई फिल्मों में काम किया है। ट्रेस कृति सेनन और पाकिस्तानी एक्ट्रेस सरिज का फेस भी काफी हद तक मिलता जुलता है। कृति ने हीरोपंती 2014, दिलवाले 2015, राब्ता 2017 फिल्मों में काम किया है। उनकी अपकमिंग फिल्म अर्जुन पटियाला है जिसकी शूटिंग अभी जारी है। वहीं अरिज ने हजारों साल 2012, माही आएगा 2012, हमनशीन 2012, वो 2013, मेरी बेटी 2013, तुम मेरे पास हो 2015, इंतकाम 2015 सहित अन्य सीरीजों में काम किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह का फेस पाकिस्तानी एक्ट्रेस शायरा शहरोज से मिलता जुलता है। चित्रांगदा ने हजारों ख्वाहिशें ऐसी 2003, ये साली जिंदगी 2011, देसी बॉय 2011, इंकार 2013 सहित अन्य फिल्मों में काम किया है। चित्रांगदा की अपकमिंग फिल्म साहेब, बीबी और गैंगस्टर 3 है। इसी तरह शायरा शहरोज ने टीवी सीरियल मेरा नसीब 2011, मोहब्बत रूठ जाए तो 2011, तन्हाइयां नए सिलसिले 2012, कुक की कहानी 2012 सहित अन्य में काम किया है। वहीं उन्होंने फिल्म हो मन जहां 2016 में काम किया है।